Namaskar, a very warm welcome to all of you joining you today. I'm Nupurkul Shraish and you are watching this session live on eVidya channel number 11. Today, in this session, we are going to discuss a very interesting topic, the topic of class 11, and the subject is accountancy, and the topic is financial inclusion, safeguarding financial data at the digital platforms. And to discuss this topic in detail, we have with us Shipra Veddeji. Professor of Commerce, Department of Education in Social Sciences, NCERT. A very warm welcome, ma'am. Mm. Namaskar. Namaskar. And dear viewers, if you have any query related to this topic, feel free to call us on this number 8800 And uh, you may also mail your queries to dts.class11 at cit.nic.in. So let's start this topic. So, ma'am, what we are going to learn today in this topic. Yeah, thank you, Nupur. Uh, today, for commerce students, uh, especially for accounting and finance, we will discuss about the safeguarding financial data in the digital landscape. Mm -hmm. In this session, Nupur, I will uh, divide my presentation into three parts. Uh, the part one is financial inclusion for economic development of the country. Part is financial services in digital landscape of India and part 3 how to safeguard money on digital platform. Uh, to my viewers and to you also Nupur I would say that the in this session maybe this presentation the coverage of this presentation may sound very vast, but I would try to accommodate as much as possible the time slot approves okay. me of doing that. Yeah. Uh, सो so, uh, yes. शुरू करते हैं इसको हम हाँ? yes. तो ऐसा है कि जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास के चार पहलू होते हैं जी वो चार पहलू हैं एक्सेस वो एक्सेस इक्विटी इक्वलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी और जब हम इन चारों एस्पेक्ट्स को एक कंपोजिट फॉर्म में एक समाहित रूप में जब हम देखते हैं तो उसे कहा जाता है इंक्लूसिव सोसाइटी इंक्लूसिव सोसाइटी मतलब समावेशी समाज समावेशी समाज से हम क्या समझते हैं कि हमारे समाज विभिन्न वर्ग, चाहे वह स्त्री हैं, पुरुष हैं, या किसी प्रकार की किसी भी कम्युनिटी के साथ वो अपना जुड़ाव रखते हैं उनको एक समान हक देता है हमारा संविधान इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो है इक्वल इक्वल राइट फॉर अपॉर्चुनिटी एंड लीडिंग अ गुड क्वालिटी लाइफ ठीक है तो अब जैसा हम स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे हैं inclusive society inclusive society means that every individual irrespective of its color creed gender or income and without any discrimination they have a equal right and equal opportunity to lead a purposeful मीनिंगफुल एंड अ गुड क्वालिटी लाइफ और यही हमारे भारत के संविधान का मूल अवधारणा भी है ठीक है अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं या समावेशी समाज की बात करते हैं तो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेस फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत इसको इंक्लूसिव सोसाइटी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट माना गया है इसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि फाइनेंस एक टर्म फाइनेंस जिसका मतलब होता है मुद्रा जिसका मतलब है पैसा या वित्त वो एक देश की अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था में चल रहे सारे व्यवसाय और समाज का प्रत्येक वर्ग प्रत्येक हाउस होल्ड प्रत्येक व्यक्ति इन सब लोगों के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है उनकी रोजमर्रा की जो भी ज़रूरतें हैं उनका जो भी बेसिक नीड्स हैं उनकी जो भी वांट्स हैं उनकी फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं कोई एक्सपेंशन के प्लान्स हैं कोई पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशनस हैं उसको पूरा करने में वो सहायक होता है तो जब उसको हम एक लाइफ लाइन की तरह एक बैकबोन ऑफ दी इकोनमी की तरह मानते हैं तो हमारे सामने आता है कि जो फाइनेंस है उसका एक बेसिक करैक्ट्रिस्टिक फीचर है कि मुद्रा में वृद्धि होती है ठीक है मुद्रा अगर विकॉनमी में है और उसका संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है तो इस मुद्रा की वृद्धि होगी और जब मुद्रा की वृद्धि होगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मनी ग्रोज व्हेन द मनी इज़ इन सर्कुलेशन क्या समझते हैं हम इस सेंटेंस से मनी ग्रोज व्हेन मनी इज इन सर्कुलेशन हम इस चीज़ से ये समझते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश की इकोनमी जिसमें उद्योग हैं इंडस्ट्रीज हैं व्यवसाय हैं बहुत सारे बिज़नेसेस हैं बहुत सारे घर और घरेलू जगहें हैं हाउस हैं और प्रत्येक इंडिविजुअल है, उन लोगों का जब जुड़ाव होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के एक फॉर्मल सेटअप के साथ तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि अच्छा वो जुड़ाव किस फॉर्म में हो सकता है वो जुड़ाव होता है सेविंग्स के रूप में इन्वेस्टमेंट्स के रूप में डिपॉजिट्स हैं लोन्स हैं ऋण है डेट है आ, डिविडेंड्स हैं इंटरेस्ट्स हैं तो जब इन सब चीज़ों के साथ हम एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज़ के साथ जब हम जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इससे देश में या इकोनॉमी में मुद्रा का संचालन होता है और उसकी उत्पत्ति होती है right. और मुद्रा के संचालन के साथ ही हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता तो है जैसे कि हम कहते हैं कि जब बिज़नेस में हैं जो लोग और जो बिज़नेस कर रहे हैं तो कहते हैं कि अगर मनी का फ्लो अच्छा सा रहा है मतलब रोटेशन होता होना चाहिए जब रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है कि आपका मनी का जो रोटेशन है वो हो रहा है आप अर्न कर रहे हैं और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है मतलब एक साइकिल है जो चल रही है तो ये कहीं ना कहीं कहता है कि आपका बिजनेस अस आ, सही तरीके से चल रहा है जो बिजनेस की ये जो एक स्टेटमेंट होती है हाँ लेकिन हम वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो रोटेशन नहीं होता है वो सर्कुलेशन होता है, है वो मुद्रा का संचालन होता है और वो संचालन से ही मुद्रा में वृद्धि आती है और जब मुद्रा में वृद्धि होती है तो वही एक पॉइंट होता है जहाँ से फाइनेंशियल इंक्लूजन का फाउंडेशन जो है वो बनता है इसीलिए हम कहते हैं कि वित्तीय समावेशन इसकी नींव वहीं से पड़ती है जब किसी इकॉनमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है आत्मनिर्भरता बढ़ती है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सोसाइटी एंड बिजनेस होता है लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आती है पैसा खर्च करने की और पैसा इन्वेस्ट करने की पावर जब उनके हाथ में आती है तो ऐसी पूरे दृष्टिकोण को हम फाइनेंशियल इंक्लूशन का नाम देते हैं अब हमने ये तो समझा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है हाँ किसी भी सेट फॉर्म फॉर्मल सेटअप में जब हमारे पैसों का आदान प्रदान होता है किसी भी रूप में वो होता है और हमारा समाज उसमें समाहित होता है सम्मिलित होता है तो हम उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमारे देश के एक पॉपुलेशन का हमारी जनसंख्या का एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है हुँ. जो हमारी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये लोग कौन हैं ये फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड रहते हैं जहां एक तरफ ये माना जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऐसे कौन से कारण हैं ऐसा क्या, क्या है कि ये लोग क्या फैक्टर्स हैं जो ये लोग फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं और ये आज हमारी चर्चा का विषय है हम इस चीज को यहाँ पे समझना चाहेंगे इस जर्नी को इस सफर में हम आपको लेके जाना चाहेंगे जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन से एक फॉर्मल सेटअप में जाते हुए कैसे समाज के विभिन्न वर्गों को फाइनेंशियल इंक्लूशन की तरफ लेके जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको भी लेकर जी बिल्कुल सही बात है ये और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस केवल एक इंडिविजुअल के ऊपर या एक बिजनेस के ऊपर नहीं होती है ये पूरे देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं और हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमारा एक मोटो है हमारा एक संदेश वाक्य है और जो लोगों के अंदर एक एनर्जी को भरता है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपने आप इतना गैदर करें ताकि हम देश की उन्नति में एक साधन और एक मीन्स की तरह हम उसमें रह पाए जी राइट मैम अब इसमें अब आगे हम अगर अब तुम तुम जैसे हम, कि हमने शुरुआत से ही बात की एक तो कि हमें इक्वलिटी की हमने बात की कि फिर भी एक वर्ग है जो हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे हमने ये भी बात की कि कौन मतलब एक 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 सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है जो इससे वंचित है उसके अलावा जैसे कि हमने बात की कि मैम कि कंट्री ग्रोथ कर रही है तो ये भी हमारा जो फाइनेंशियल है जो हमारी फाइनेंसिस है उससे हमें पता चलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन तो फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से मैम कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट में मदद करता है ये सही है लेकिन ये बहुत बड़ा वाक्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे को एम्पावर करता है हमें सशक्त बनाता है कैसे एम्पावर करता है हमें इकोनॉमिकली पावर एम्पावर करता है हमें सोशली एम्पावर करता है और हमें फाइनेंशियली एम्पावर करता है ताकि हम एक बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्व जीवन यापन कर सकें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्योंकि जहाँ पे बात फाइनेंशियल इंक्लूजन की आती है हम सीधे सीधे तौर पे उसको बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को एक इकोनॉमी का बैकबोन कहा गया है रीढ़ की हड्डी ठीक है तभी आप देखते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में उससे हमारे देश का आर्थिक उन्नति होती है तो जितनी मजबूत हमारी ये रीढ़ की हड्डी के माफिक ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो जितने मज़बूत होंगे जितने स्ट्रांग होंगे हमारा देश उतनी ही उन्नति करेगा ठीक है तो वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा सीधा संबंध किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास या वृद्धि के साथ जुड़ा होता है सोशल अब हम नेक्स्ट स्लाइड से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो हमारे को ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके जाता है जी। अब देखिए कि आप इसमें पहला फिगर अगर आप देखते हैं तो ये है हमारा हाउस होल्ड अगर हम मेरी तुम्हारी या समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो अभी हम व्यवसायों को थोड़ा अलग कर देते हैं क्योंकि जब कभी हम किसी टॉपिक पे चर्चा खुद को सामने रख के करते हैं तो शायद हमें उसकी संभावनाएं ज़्यादा समझ में आती हैं तो मान लीजिए कि यह हमारे समाज का एक हाउस होल्ड है उसके पास कुछ पैसा था वो पैसा उसने बैंक में डाला ठीक है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हाउस होल्ड जो है ये फाइनेंशियली इंक्लूडेड है हमारे समाज में उसने वो पैसा बैंक में डाला जब भी हम पैसा बैंक में डालते हैं तो बैंक उसको अपने तक सीमित नहीं रखता है ठीक है बैंक उस पैसे का क्या करता है इतने सारे अकाउंट होल्डर्स हैं इतनी सारी ब्रांचेज हैं इतने बैंक हैं पूरे देश में क्या वो सारा पैसा वो सारा खजाना बैंक अपने पास अपने स्ट्रांग रूम्स में रखता है सली hmm. नहीं hmm. उसको वो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उसको पुल इन करता है उसको पंप इन करता है तो जब वो पैसा डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट फैक्ट्रीज और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जब पंप इन होता है तो उसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उसका मतलब है कि मास प्रोडक्शन होता है क्योंकि हमारी उद्योगों के पास हमारे व्यवसायों के पास पैसा पहुँचता है जब मुद्रा उनका सर्कुलेशन बैंक से कंपनीज और इंडस्ट्रीज की तरफ जाता है तो उनको अपने मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्शन के लिए एक एनर्जी का एहसास होता है और हमारे वो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगते हैं जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उसका नेट रिज़ल्ट क्या होता है जब किसी देश का प्रोडक्टिविटी बहुत हाई लेवल पे होता है तो वहाँ पे नए मार्केट्स जन्म लेते हैं नए बिजनेसेस जन्म लेते हैं स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं क्योंकि उनके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है नए इनोवेशंस करने का नए क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज को बाजार में लेके आने का तो नए बाज़ारों का सृजन होता है जब नए बाज़ारों का सृजन होता है नए प्रकार के बिजनेसेस मार्केट के अंदर आते हैं तो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो जो हमारा समाज है वो सीधा सीधा बिजनेसिस और इंडस्ट्रीज के साथ जाके मिलता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक अच्छे रेट में चल रहा है लेबर्स का एम्प्लॉयमेंट आ रहा है समाज के लोगों को काम मिल रहा है कारखानों में तो उन्हें पेमेंट किस फॉर्म में होती है या तो वेजेस मिलती हैं ब्लू कॉलर जॉब में या सैलरीज मिलती हैं वाइट कॉलर जॉब में जब आपको वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं जब तुमको तनख्वाह मिलती है तुम्हारे महीने के एंड में तो तुम्हारे को किस चीज का एहसास होता है नूपुर? तुमको एहसास होता है कि तुम्हारा परचेजिंग पावर बढ़ गया है और मैं बाजार में जाके इसको अपने कंजम्पशन के ऊपर खर्च करूं तो जब समाज में लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है तो उनका कंजम्पशन बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी ने नए मार्केट्स का नए व्यवसायों का सृजन किया है तो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमारे मार्केट में उभर कर सामने आई हैं तो जब कंजम्पशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है और उस डिमांड की पूर्ति कैसे की जाती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस आने लगता है जो प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट्स होता है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हो जाती हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइसिस में हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज आपको रीजनेबल रेट्स में मिलती हैं ठीक है अब एक तरफ कंजम्पशन बढ़ता है सारा पैसा तो हम खाने पीने घूमने फिरने में नहीं लगा देते हैं जो हमारे पास सरप्लस मनी बचता है उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हम फिर बैंक में जाते हैं वहाँ पे अपने सेविंग्स को हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं उसे डिविडेंट या इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता है वो इंटरेस्ट जो जनरेट होता, होता है उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो एनहेंस होती है तो जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्ेंस होती है तो हमारा सोशल एम्पावरमेंट होता है तो तो ये मैंने आपको केवल एक बात बताई थी कि जब हमारा एक हाउस होल्ड अपना पैसा जमा करता है तो ये पूरा सर्कुलेशन किस प्रकार से चलता है और उस तरीके से कैसे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होता है इसीलिए किसी ने ये बोला है इट्स एन एनोनिमस स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ प्लेटफॉर्म वे सोशल ग्रोथ इंडेक्ट इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक रंगमंच की तरह है जिसमें आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि या सोशल सामाजिक उन्नति अपनी अपनी भूमिका को निभाती है जी बिल्कुल और मैम जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जिसके बारे में हमने बात की जो इकोनॉमिक आपका ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें रोल प्ले कर रही है तो फिर भी इकोनॉमिक uh, डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है लेकिन फिर भी वो क्यों उससे एक्सक्लूडेड है उसके रीजनस क्या, है क्या हैं मैम क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो एक्सक्लूडेड हैं Uh, ऐसा है कि जो फाइनेंशियल इंक्लू, जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है हुँ. वो केवल एक हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है ये एक ग्लोबल फिनिना है और हर देश में एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो बिल्कुल एक सेट फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं होती है तुमने बिल्कुल सही पूछा कि उसके क्या रीजंस हो सकते हैं Uh, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा जी ट्वेंटी कंट्रीज़ के जो भी अधिवेशन हैं जो भी सम्मेलन होते हैं इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है क्योंकि शुरू की पहली स्लाइड में ही हमने ये देखा था कि फाइनेंस और एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो सामाजिक उत्थान में अपनी बहुत बड़ी भूमिका वो करती हैं लेकिन तो इसमें अब हम हमारा ये कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जो हिस्सा है वो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे स्क्रीन के माध्यम से कि वो कौन से लोग हैं जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं तो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड में एक सबसे बड़ा जनसंख्या का जो हिस्सा है ना वो महिलाओं का है महिलाओं को फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन के रूप में वर्षों से दशकों से देखा जैसे गया जैसे अब हम बात करते हैं कि अब तो महिलाएं जैसे हर क्षेत्र में आगे हैं और भूमिका निभा रही हैं तो क्या अभी भी आ, लेकिन फिर भी क्या, डेटा क्या कहता है या कितनी परसेंटेज अभी क्या कुछ परिस्थिति में कुछ बदलाव नहीं है हम उसके बारे में भी बात करते हैं अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से वर्ग हैं जो इस समावेशन से वंचित हैं जिसमें सबसे पहले विमेन आती हैं दूसरी आती हैं जिसको हम एल्डरली पीपल कहते हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो क्यों एक्सक्लूडेड रहते हैं क्योंकि आज की तारीख़ में जो भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो गया है और वो डिजिटाइजेशन उनकी उम्र के उस पढ़ाव पे आया है जहाँ पे वो उसके साथ अपने आप को कंपैटिबल नहीं मानते हैं और इस वजह से वो उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं और इसमें और भी लोग हैं जैसे माइग्रेंट्स हैं लैंडलेस वर्कर्स हैं सीजनल वर्कर्स हैं या फिर कहीं ना कहीं बैंक्स भी इसके जिम्मेदार है कि समाज का एक वर्ग इन चीजों से वंचित रहता है अब मैं आती हूँ तुम्हारे प्रश्न के ऊपर कि आज जब हम ये देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट है वेमेन्स हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं चाहे कन्वेंशनल लाइंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे नॉन कन्वेंशनल लाइन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि महिलाएं बहुत कम डाटा एस सच अवेलेबल नहीं है स्टडीज़ ये बताती हैं जो छोटी सेग्रीगेटेड स्टडीज़ होती हैं कि महिलाएं बहुत कम वो महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने में एम्पावर्ड हैं वो कहीं ना कहीं हेजिटेशन है कहीं ना कहीं आंकड़ों का डर है और कहीं ना कहीं हमारा एक माइंडसेट है एक हमारा स्टीरियो टाइप माइंड होता है कि जो महिलाएं हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द मनी इफेक्टिवली वो घरेलू कामों में अपने पैसे का इंतज़ाम कर सकती हैं लेकिन अगर उसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स या टैक्सेशन या डेट या लोन की बात करनी है तो उन्हें हमेशा अपने स्पाउस या अपने बेटर हाफ की ज़रूरत पड़ती है और दूसरी बात ये भी है कि वो महिलाएं जो एम्प्लमेंट सेक्टर में है वो तो दो प्रतिशत तीन प्रतिशत हैं सारी महिलाओं का जितनी भी महिलाएं हमारे देश में हैं उसका जो मेजर सेक्टर है वेमेन का वो लार्जली अनबैंक्ड है उनके पास कोई खाता नहीं है तो फाइनेंशली इंक्लूडेड तो आप केवल तभी होंगे ना कि जब आप बैंक में जाके अपना खाता खुलवाएंगे और वहाँ की सर्विसेज को यूज करना शुरू करेंगे वो लार्जली अनबैंक्ड क्यों रहती हैं कभी तुमने ये सोचा है क्योंकि हमारे परिवेश में ऑलवेज, ऑफ़ द हाउस ऑलवेज कंट्रोल द फाइनेंसेस। और कहीं ना कहीं हम हर चीज उनसे पूछ के करते हैं गलत बात नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को वो थोड़ा छोटा कर देता है दूसरी बात है कि हमारे देश में दूर दराज रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे एरियाज बैंकिंग सेक्टर से अंडर अंडरसर्वड हैं वहाँ के लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते बैंक में खाता खिला खुलाने के लिए आपको एक रेगुले एक रेगुलेशन हैं वो रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स बन जाते हैं उनके पास अपने आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के लिए नहीं होता कि ये मेरा सेल्फ आइडेंटिटी है आपका खाता बिना सेल्फ आइडेंटिटी के तो नहीं खुलेगा तो ऐसे केस में दूर दराज क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपने आप को बैंकों से एक दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं और वो उनको हमेशा ये लगता है कि मेरा पैसा मेरी तिजोरी में है मेरा पैसा मेरी अलमारी में है मेरे ट्रंक में है मेरे सामने है वो सेफ है इसके अलावा बैंक्स भी बहुत जिम्मेदार होते हैं फाइनेंशियली एक्सक्लूशन के लिए एक किसी एक क्षेत्र में किसी एक एरिया में अगर मुझे किसी बैंक की ब्रांच को लेकर जाना है तो मेरे पास ऑपरेशनल कॉस्ट्स आती हैं और अगर वो क्षेत्र रिमोट एरिया है कोई बहुत दूर दराज का कोई एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है लिटरेसी नहीं है बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है और हमें ये मालूम है कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है खाता खुलाने के लिए नुपुर के अगर मैं अपना के वो आदमी आके उसे नहीं, नहीं करा सकता तो है और वहां के जो लोग होते हैं वो अल्टीमेटली रिजल्ट होता है कि वो फाइनेंशियो एक्सक्लूटेड रह जाते हैं जा। और एक और इसमें जो लास्ट चीज आती है वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल असिस्टेंस मान लीजिए तुम एक ऐसे एरिया में रहती हो और तुम चाहती हो कि तुमको फाइनेंशियल सर्विसेज का भाग बनना है लेकिन तुम्हारे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कोई नॉलेज नहीं है तुम किसके पास जाके वो Uh, अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करोगी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है अगर तुम मेरे पास आती हो या समाज में किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाती हो तो क्या पॉसिबिलिटी uh, है कि तुम्हारा पैसा बिल्कुल सही रास्ते पे चैनलाइज होगा तो वो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से लोगों को लगता है कि नहीं मेरा पैसा मेरे पास ही रहे मुझे बैंक्स में या फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ नहीं जाना है और जैसे कि हमने मैम बात की कि जो अनबैंक्ड और अनसर्व्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके बारे में तो जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की और सारी चीज़ें अब डिजिटलाइज्ड हो गई हैं तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है क्या अभी जो पिक्चर है वो उसमें बदलाव है नुपुर तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए चलो तुम्हारे साथ एक एक्टिविटी करती हूँ मैं ठीक है आ, आज हम दो में हैं ठीक है तुम इमेजिन करो कि तुम 2000 से पिछले किसी साल में हो से 1995, 98 या 2000 से पहले के किसी साल में आप हैं आप विजुलाइज़ कर सकती हैं कि वो बाज़ार एज अ कंज्यूमर या एज अ बायर ऑफ़ सनी और काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस जब तुम उस बाज़ार में जाती थी तो तुम कैसे जाया करती थी सोच के बताओ मुझे हिंदुस्तान के बाज़ार हैं बहुत वाइब्रेंट बाज़ार होते हैं छोटी छोटी रंग बिरंगी दुकानें होती हैं बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं बॉल्स का कल्चर तो था नहीं बड़ी बड़ी दुकानें थी वहाँ पे एज आ बायर जब तुम वहाँ जाती थी तो तुम क्या लेके जाती थी तुम अपने हाथ में या जो भी बायर्स थे वो क्या लेके जाते थे वो अपने हाथ में एक बटवा लेके जाते थे उसको बटवा बोला जाता था जिसे हम पर्स बोलते हैं ठीक है उस पर्स के अंदर हम क्या रख के ले जाते थे उस पर्स के अंदर हम हार्ड कैश रख के ले जाते थे पैसा रख के ले जाते थे ठीक है उस टाइम पे कहीं ना कहीं प्लास्टिक मनी का भी इस्तेमाल शुरू हो गया था मान लीजिए आपने उसमें अपना क्रेडिट कार्ड भी रखा हुआ है प्लास्टिक कार्ड भी रखा हुआ है आप किसी एक दुकान में जाती हैं आपको वहाँ पे कोई एक वस्तु पसंद आ जाती है आपने कैश निकाला आपने उसकी पेमेंट की और आप वापस आ गए ठीक है यही बाजार का एक स्वरूप था अब मान लीजिए कि कहीं आप कोई चांदनी चौक जैसे किसी बाजार में हैं, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और आप अपने पर्स को किस तरीके से सेव गार्ड करते थे आप उसको कपड़ों की तय में डाल के रखते थे थैले के अंदर बांध के रखते थे, थे अपने आ, तो भी उसको भी संभाल के रखते थे, थे बहुत तो वो हमारे सेव गार्ड फीचर्स थे लेकिन उस सेव गार्ड फीचर्स के बावजूद भी मान लीजिए आप किसी दुकान में कोई शॉपिंग के लिए गई और आपका वो पर्स वहां छूट गया ठीक है आप उस दुकान पे वापस उससे बोलने गई कि मुझे मेरा पर्स वापस चाहिए ये, ये मेरा पर्स है वो आपको बोले कि मैं कैसे मान लूँ कि ये पर्स आपका है कैसे मानेगा कि वो पर्स आपका है तो आप उसको अथेंटिकेट करेंगी आप वैलिडेट करेंगी कि उस पर्स में क्या क्या चीज़ें हैं आप बताएंगी मेरे पर्स में दो हजार रुपये थे मेरे पर्स में ये इन्वॉइसिस हैं मेरे पर्स में मेरी फोटो है मेरे पर्स में डी के बस का ये पास है वो सारी चीज़ों को जब वैलिडेट करेगा तो वो कहेगा कि ये आपका पर्स है ये उस टाइम का एक बाजारमेष खरीदारी खरीद फरोद का एक स्वरूप था अब आप आ जाइए 2024 में आज हमारे जो वो रंग बिरंगे मार्केट्स हैं वो किस में तब्दील हो गई हैं वो ई मार्केट प्लेस में तब्दील हो गई हैं ऐसा नहीं है कि फिजिकल बाजारों का स्वरूप खत्म हो गया है वो स्वरूप अभी वहाँ पे है लेकिन हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी वहाँ पे हैं आपका वो छोटा सा नोटों से हार्ड कैश से भरा हुआ बटुआ अब क्या बन गया है वो बन गया है मोबाइल वॉलेट बन गया है उस पर्स के अंदर जो हार्ड कैश रखा हुआ है वो क्या बन गया है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश बन गया है वो वाला ट्रांजैक्शन जो सेलर और बायर के बीच में हुआ किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए कैश का आदान प्रदान हुआ वो किस माध्यम से होता है वो यू के माध्यम से होता है तो आप सेफ कैसे करते हैं उस जमाने में आप अपने पर्स को संभाल के रखते थे आज आप अपने मोबाइल को संभाल के रखते हैं किस बेसिस पे आप रखते हैं आप उसमें पैटर्न्स डालते हैं आप उसमें पासकोड्स डालते हैं आप उसमें पासवर्ड्स डालते हैं बायोमेट्रिक इम्प्रेशन है जो आप उसके ऊपर अपना डाल के रखते हैं और अगर कहीं आपका ये मोबाइल खो जाता है या हैक हो जाता है तो आप उसको कैसे वैलिडेट करते हैं तो ये है दिस इज फन ऑफ टेक्नोलॉजी नुपुर दिस इज द पावर ऑफ डिजिटाइजेशन कि मार्केट वही है बायर वही है सेलर वही है लेकिन टेक्नोलॉजी ने मार्केटिंग का जो स्वरूप है उसको बदल दिया है, है।, है। अब इन तुम जानती ही होगी कि हमारा देश भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन गया है वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड और ये बहुत uh, इनक्रेजिंग इवेंट uh, है हम लोगों के लिए हमारे बिजनेसिस hmm. के लिए हमारे इकॉनमी uh, के लिए हमारे फाइनेंशियल और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठीक है लेकिन इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो था हमारे टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने डिजिटाइज फॉर्म में आगे हम उसको लेके गए और हम इसमें इतने एम्पावर्ड हो गए इतने स्ट्रांग हो गए हम इसमें कि इवन जो हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो उनकी सर्विसेज हैं वो भी डी के माध्यम से इंडिविजुअल लोगों के खातों तक जाने लगी डी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स रिसर्चर्स के फेलोशिप्स महिलाओं को सब्सिडी पेंशन सारी चीज़ें आपकी ये जितनी भी आपको फैसिलिटीज जो आपकी ये सारी सर्विसेज थी वो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकलकर आपके अकाउंट्स में डायरेक्टली आने लग गई एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल बना एक ट्रस्ट का माहौल बना तो जहाँ पे डिजिटाइजेशन की बात आती है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात आती है वहाँ पे ई e गवर्नेंस की बात आती है और वहाँ पे एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात आती है और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफर्स होते हैं ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जिसमें करप्शन कट्स कमीशन्स इन चीज़ों की कोई जगह नहीं होती है और यही एक है जिसको हम इंक्लूसिव सोसाइटी का फाउंडेशन मानते हैं एक लाइन कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी नूपुर कि जब हमने अपने इस चर्चा को शुरू किया था तो हमने एक सेंटेंस बोला था अगर हुँ. तुम्हें ध्यान हो कि इंक्लूसिव सोसाइटी का फाउंडेशन इन फाइनेंशियल इंक्लूशन है अभी मैं इस बात को कह के इस सेंटेंस को कह के अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि इंक्लूसिव इन, सोसाइटी का फाउंडेशन फाइनेंशियल इंक्लूशन है इसका मतलब कि चाहे वो इंक्लूसिव सोसाइटी है चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये दोनों आपस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जी और मैम जैसे आपने बात की कि जो इंडिया है और हमारा जो देश है वो इंटरनेशनल फॉरम पे अगर हम बात करें तो हम पाँचवें नंबर पे आपने जैसे कहा कि हम आ चुके हैं तो अभी किस तरीके से आप इस परिदृश्य को देखती हैं अभी अगर हम इसको देखेंगे कुछ साल पहले और अब की जो स्थिति है उसमें कितना बदलाव देखती हैं नपुर तुमने डिजिटल इंडिया कंपेन के बारे में सुना है जी डिजिटल इंडिया कंपेन को जब हम फाइनेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फिनटेक की निगाह से देखते हैं तो हम इसको फेसलेस एक्टिविटी के नाम से देखते हैं हुँ. और डिजिटल इंडिया से गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए आ, अगर हम इसको स्क्रीन पे देखें तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे आ, कि एक प्रेजेंसलेस पेपरलेस एक और एक कैशलेस स्ट्रक्चर को ईजाद किया था जो आपकी एक इंडिविजुअल की कंसेंट के साथ आपको एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में चैनलाइज करता था क्या है ये प्रेजेंसलेस पेपरलेस और कैशलेस या फेसलेस ठीक है आ, इस पूरे इनिशिएटिव को हम इंडिया स्टैक के नाम से जानते हैं और इस स्टैक के चार पिलर्स हैं पहला है प्रेजेंसलेस प्रेजेंसलेस तुम्हें ध्यान होगा कि आ, आधार हमारा यहाँ पे एक यूनिक नेशनल आइडेंटिटी नंबर है जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर रहता है हमारे को अब बहुत सारे एक ज़माना था कि जब हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी फाइलों में उनको संभाल के रखना पड़ता था लेकिन आज केवल एक आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक इम्प्रेशन से आप अपने बहुत सारे काम हैं जिनको निपटा सकते हैं ये एक बारह अंकों का यूनिक कोड होता है जो आपको प्रेजेंस लेस बनाता है आप किस समरूप आपका आधार कार्ड है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कहीं पे भी ये आइडेंटिफाई अपने आप को कराने की ज़रूरत नहीं है तो जब हम तुमने इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात की उससे पहले हम इसका एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इंडिया स्टैग में आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त आधार हर व्यक्ति को आधार के साथ जोड़ने का एक कॉम्प्रीहसिव प्रोग्राम लिया था जो हमारा सिटीजनशिप कार्ड की तरह माना जाने लगा था उस वक्त ये कहते हुए कि आपका सारा डाटा इसी के अंदर है और आपके हर फाइनेंशियल सर्विस को जब हम आधार के साथ और नॉट ओनली फाइनेंशियल सर्विस आपके जितने भी सोशल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं आपके जितने भी डिफरेंट स्कीम्स जो भी हैं उन सब स्कीम्स को हम आपके आधार के साथ जब जोड़ देंगे तो आपको हर जगह अपने आप को आइडेंटिफाई कराने जाने की जरूरत

ठीक है तो डिजी लॉटर तो आप एक आप एक पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं इसका तीसरा पॉइंट था कैशलेस कैशलेस का मतलब है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप इसके साथ जब जुड़ते हैं तो आप इस तरीके की पेमेंट्स जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं जो ई कैश पेमेंट्स होती हैं ई करेंसी की जो पेमेंट्स हैं आपको फिजिकल कैश को कम करना और डिजिटल मोड में जाना आप यू गो कैशलेस आज 2024 में आप देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं जो कैश से पेमेंट करते हैं पहला सवाल हमारा क्या होता है भाई यू लेते हो हु ना चलो हम फोन से आपको कर देते हैं तो भारत की इकॉनमी जो एक समय पे हैविली कैश इकॉनमी थी डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम अभी पूरी तरह से कैश लेस तो नहीं हो पाए हैं लेकिन हम कैश इकोनॉमी से कैश लाइट इकोनॉमी की तरफ अब हम जाने लगे हैं ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज का जो तुमने मुझसे पिछला सवाल पूछा था कि उसने हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया है अब आता है मसला कंसेंट का तुमने एक डिबेट बहुत देखी होगी और शायद आप लोग आपस में करते भी होंगे कि इस तरीके से जब हमारे डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर कर लिया जाता है तो हमारी प्राइवेसी पे अटैक होता है जी। है ना ये एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन पॉइंट है इसके प्रॉज भी हैं इसके कॉन्स भी हैं बहुत लोग इसके फेवर में हैं बहुत कम लोग इसके अगेंस्ट में हैं लेकिन ये है कि जब सारा डाटा डिजिटाइज्ड है सारा पे... सब सब कुछ फेसलेस है सब कुछ कॉन्टेक्ट है कभी भी हमारे साथ कोई फ्रॉड हो सकता है कभी भी हमारे साथ कोई स्कैम हो सकता है तो हम ये कैसे माने कि हमारा डाटा जो आप अपने पास रख रहे हैं उसको आप एक फ्रूटफुल एक्टिविटी में ही चैनलाइज करेंगे तो जब भी आप इस तरीके की फिनटेक कंपनीज के साथ जुड़ते हैं इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ते हैं आप हमेशा देखेंगे कि आपसे एक कंसेंट ऑथेंटिकेट करवाया जाता है अगर आप उस कंसेंट को नो करते हैं तो आपके गेट्स वहीं पे बंद हो जाते हैं आप उसमें आगे की एंट्री नहीं ले पाते हैं ठीक है तो अगर इंडिया तो स्टैग जो प्रेजेंस लेस पेपर लेस और कैशलेस है वो आपके साथ कंसेंट के साथ आगे चलता है ताकि हमने एक वैलिडेशन चेक्स लगा रखे हैं कि हम किसी भी तरीके से किसी भी साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के हमारे साथ इस तरीके की चीजें ना हो सके तो ये तो हुआ एक आपकी चीज ठीक है अब अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन को फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस तरीके से इनेबल किया उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जैम ट्रेनिटी करके एक इनिशिएटिव शुरू किया ये जैम क्या है ब्रेड पे लगा के खाने वाला जैम नहीं है ये ये एक है ये जनधन योजना एम इज hmm. आधार एंड एम इज एम स्टैंड लगता है कि केवल इंडिया स्टैगलेस के लिए हमने जैम ये तीन ही आस्पेक्ट क्यों लिए मोबाइल hmm. फोन मुझे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मोबाइल फोन hmm. नहीं होगा मोबाइल रेवोल्यूशन hmm. की तरह हमारे समाज में आई हर व्यक्ति एक छोटे से छोटा बेसिक फ़ोन से लेके बड़े से बड़े स्मार्टफोन तक हमारे पास मोबाइल फोन्स होते हैं ठीक है तो इतने बड़े कवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारे पास है तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरा मैकेनिज़्म तैयार करें इसी हमने सबके मोबाइल नंबर्स क्योंकि वो भी यूनिक होते हैं किसी भी दो व्यक्तियों का एक मोबाइल नंबर नहीं होगा आधार क्या है आधार भी एक यूनिक नंबर है किसी भी दो व्यक्तियों का एक आधार नंबर नहीं होगा जनधन अकाउंट्स क्या हैं बैंक अकाउंट्स हैं किसी भी दो व्यक्तियों का एक बैंक अकाउंट एक नहीं होगा तो कुल मिलाकर ये एक बहुत सेफ सिक्योर ट्रांसपेरेंट और एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हमारे सामने ये उभर कर सामने आया तो इन तीनों यूनिक आइटम्स को लेके हमने इसे जैम ट्रिनिटी का नाम दिया ट्रिनिटी मतलब त्रिस्तरीय तो जनधन आधार और मोबाइल ही हमारा एक फिनटेक कंपनीज का एक स्टैक की तरह है जिसके माध्यम से हम अपने सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने लोगों तक विश्वास सिक्योरिटी और सतर्कता के साथ लेके चलते हैं सो दिस इज वॉट अब मैं आपके सामने आती हूँ कि आपने मेरे से पूछा कि क्या ये डिजिटाइजेशन केवल भारत की बाउंड्रीज के अंदर तक ही सीमित है या इसका अंतरराष्ट्रीय इंपैक्ट भी है यही सवाल था आपका मैं आपको ये फोटो दिखाती हूँ थोड़ी देर इस फोटो को गौर से देखिए लेफ्ट साइड पे जो आपको एक छोटी सब्जी की दुकान नजर आ रही है वहां पे यूपीआई से पेमेंट करते हुए कौन व्यक्ति हैं ये जर्मनी के डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ये जी ट्वेंटी के लिए या किसी और अधिवेशन के लिए यहाँ पर जब आए तो हिंदुस्तान की डिजिटाइजेशन एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को देखकर उनको हैरानी हुई उनको लगा कि क्या हमने कभी सोचा था कि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड जो इलिट लोगों के लिए शुरू में बैंकिंग से हमारे पास आए थे वो अब छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों और छोटे छोटे करीना कर ग्रॉसरी शॉप उसके पास तक वो पहुंच जाएंगे तो ये फोटो अपने आप में तुम्हारे सवाल का जवाब देती है कि हमारा जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा यूपीआई का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसमें हम और बात भी करेंगे राइट साइड पर जब हम कहते हैं शुरू में हमने ये कहा था कि महिलाएं एक मेजर वर्ग है जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से बिल्कुल अलग है जो ये प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना की जो स्कीम आई थी उसमें सबसे ज़्यादा जिसको बेनिफिट किया वो थी महिलाएं और बैंक्स ने भी महिलाओं को ही टारगेट किया क्योंकि पैसा जब मैन ऑफ द हाउस के पास नहीं वेमेन ऑफ द हाउस के पास होता है तो पूरा का पूरा घर जो है वो प्रोग्रेस करता है बच्चों को अच्छा खाने को मिलता है बच्चों को अच्छा पहनने को मिलता है बच्चों को अच्छा खाने को मिलता है और घर की महिला जो होती है वह एम्पावर्ड होती है सक्षम होती है और सशक्त होती है तो जनधन योजना के साथ महिलाओं को फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए एक स्कीम निकल कर आई थी जिसे बोला गया था बैंक सखी बैंक सखी का मतलब क्या है वो कोई पुरुष भी कर सकता था काम लेकिन बैंक्स में वो काम महिलाओं को दिया दूर दराज के क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला है थोड़ी एक्टिव महिला है उसको बैंक्स के काम का पूरा ट्रेनिंग दिया गया और उसे बोला गया कि अब आप महिलाओं के बीच में जाएं और महिलाओं को बैंक में आके खाता खोलने के लिए एनकरेज करें सिर्फ महिलाएं क्यों वो पुरुष को भी भेज सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तुम बता हुँ। सकती हो ऐसा क्यों क्योंकि महिलाएं एक महिला दूसरी महिला के साथ आइडेंटिफाई करती है उसकी समस्याएं एक होती हैं उसका हेसिटेशन एक होता है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर ये कर कैसे सकती कैसे है तो मैं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ तो अगर आप नीचे इस बार चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि 2016 में महिला बेनिफिशरीज कितनी थी और 2022 में वो कहाँ तक चला गया और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है सो दिस इज व्हाट डिजिटाइजेशन दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमारे देश की इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट को इस तरीके से बढ़ाने का काम किया है जी ओ अब फाइनली uh, मैं तुमको एक चीज़ और बताऊँ जो तुम मुझे मुझसे पूछ रही थी कि इंटरनेशनल कवरेज हमारा क्या है तो आज जो हमारा यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम कोई भी यूपीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं भीम कर सकते हैं तुमको कोई और करती होगी एबीसी कई यूपीआई पी ऐप्स हमारे पास हैं उससे आप भूटान सिंगापुर नेपाल यू और मॉरिशस जैसे देशों में भी इस यू पी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं यही एक पावर है डिजिटाइजेशन की और यही है हमारा इंटरनेशनल आउटरीच और इसी और यही एक हमारा डिजिटाइजेशन और यही एक हमारा टेक्नोलॉजी है जिसने हमारे को एस्केलेट किया वर्ल्ड इकोनमी में पाँचवें नंबर तक जाने के लिए बिल्कुल तो ये तो बहुत अच्छे से हमने इन चीज़ों को इन बातों को समझा मैम लेकिन साथ ही जैसे हम बात करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे आसान हो गई है हम लाइफ को बोल सकते हैं कि बहुत इजी हो गई है सब कुछ हमारे डोर स्टेप पर ही अवेलेबल है और बस हमें फिंगर्स हमने बस टच किया और हमारे पास सब कुछ आ जाता है लेकिन इन सब के बीच में क्या हम देख रहे हैं मैम जितना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है उतने ही जैसे हम कहते हैं कि फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं तो कुछ पोटेंशियल फ्रॉड्स हैं स्कैम्स हैं उससे हम किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे हमें किस तरह से डील करना चाहिए फूल है तो कांटी हाँ कहीं ना कहीं जो तुमने मुझसे अभी इस सेशन में पहले जो भी सवाल पूछे उन सवालों का कुछ कुछ जवाब आपको आने वाले जवाबों में भी सवालों में भी मिलेगा कि क्यों हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्क फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है उसमें एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो है फाइनेंशियल स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स का और वो फियर है क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली हम हम लोग अमीर हैं हम अमीर हो सकते हैं हमारे पास बहुत पैसा हो सकता है हमारे पास दुनिया भर की सुख सुविधाएं हो सकती हैं हमारा वेल्थ जनरेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं अगर हम जुडिशली अपने पैसे को अपने फाइनेंसिस को अगर हम चैनलाइज नहीं कर सकते हैं तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि हम किसी डिजिटल फ्रॉड या स्कैम या साइबर क्राइम के Uh, कि हमारे साथ हो सकता है अब ये स्कैम्स और फ्रॉड्स कैसे होते हैं तुमने कई बार देखा होगा कि जब आप डिजिटल इसमें होते हैं तो आपके पास एक पूरी टेपेस्ट्री होती है डिजिटल एरेना की हुँ. है ना उस डिजिटल एरेना में कुछ लोग वो होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं एथिकल होते हैं <laughs> और कुछ लोग वो भी होते हैं जो होते हैं एक वो डिजिटल आंखें आपको हमेशा उस कैपेसिटी में आपको देख रही है कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को कर रहे हैं और द मोमेंट आपने एक कदम गलत उठाया ठीक है तो वहां पे आपका पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल वेल्थ जिसको जिसपे आप अभी तक बहुत इतरा रहे थे कि हमारे पास इतना सब है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है और ये तुमने ये कोई नई और बहुत अनोखी चीज़ नहीं है शायद हर रोज़ डेली बेसिस पे हम किसी ना किसी से सुनते हैं कि आज मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इन फ्रॉड्स और स्कैम्स के साथ से बचा के रखें क्या होते हैं ये फ्रॉड्स एंड स्कैम्स ये फ्रॉड्स एंड स्कैम्स हैं कि जब आप अपनी इंटेलिजेंस अपने इनफॉर्म डिसीजंस को ना देखते हुए जब आप इस डिजिटल टेपेस्ट्री में घुस जाते हैं और आप उसको बिना सोचे समझे बिना रिक्वायर्ड वैलिडेटेड स्टेप्स लिए हुए जब आप उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो आपके साथ इस तरीके के मॉनिटरी फ्रॉड्स हो सकते हैं जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आपने सुना होगा गेट रिच स्कीम ठीक है आज तुम मेरे को दस हजार रुपए दो आज तुम मुझे जितना पैसा दोगे दो साल में मैं तुम्हें डबल करके दूंगा ये सबसे बड़ा स्कैम है hmm. ठीक है आपके आपने एक और स्कैम सुना होगा ये इंडिया में बहुत ज्यादा रहा था मेंबर्स बनाने का स्कैम हाँ तुम मेंबर बन जाओ तुम दो मेंबर्स और लेकर आओ तुमको तीन मेंबर्स का पैसा मिलेगा वो दो मेंबर्स चार मेंबर्स और लेकर आएंगे ऐसे करके ये ह्यूमन पैरामिड बन जाता था शुरुआती सालों में आपको वाकई में पैसा मिलेगा वो पैसा आपको इसलिए नहीं मिल रहा कि आपने कोई वाइज फाइनेंशियल डिसीजन लिया है वो आप अपनी बेवकूफियत का पैसा आपको मिल रहा है क्योंकि एक दिन जब वहाँ पे एक भंडार बन जाएगा पैसे का तो जो व्यक्ति जो फ्रॉडुलेंट व्यक्ति है वो धीरे से वहाँ से खिसक जाएगा और वो पूरी स्कीम जो है पूरी कोलैप्स कर जाएगी और आपका सारा पैसा डूब जाएगा तो ये फ्रॉड्स हैं तो आपको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है किस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना है किस तरीके की बातों से आपको अलग रहना है और कैसे सतर्क रहना है फाइनेंशियल मैटर्स में वो फ्रॉड्स एंड स्कैम्स की जो आ, आ, वो होते हैं डायरेक्टिव्स कि उस सेफ रहने के वो आपको बताते हैं जनरली आपके फ्रॉड्स और स्कैम्स तीन तरीके से होते हैं वो होता है फिशिंग स्कैमिंग एंड हैकिंग ठीक है फिशिंग क्या है आपके अफ्रीका में एक व्यक्ति है, सो एंड सो एंड सो उनका का नाम है वो बहुत बड़े उनके पास बहुत जागीर थी बहुत लैंड थी और उन्होंने आपको अपना लीगल हायर अपॉइंट कर दिया है और आप अपना नाम और अपना अकाउंट और ये सारा जो है वो आप हमको भेज दीजिए मैं उसका लीगल लॉयर बोल रहा हूँ और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है और जैसे ही आप हमारे को अपना ये सारा पैसा वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे वो पैसा हम आपको ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके की ईमेल्स आए दिन हम लोगों के पास आती हैं ये फिशिंग ई मेल्स होती हैं इसमें बहुत से लोग हैं जो फंस जाते हैं उनको लगता है कि उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है उनके लिए एक विंडफॉल गेन हो गया है लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये जाल बिज चुका है आपने उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है और आने वाले कुछ ही मिनटों में आपका जी. पूरा बैंक अकाउंट खाली होने वाला है जनरली इन चीज़ों में वो आपसे पासवर्ड्स मांगते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं आपका पैन कार्ड का नंबर मांगते हैं इसमें दूसरा होता है स्कैमिंग स्कैमिंग का मतलब है कि फ्रॉडिलेट स्कीम्स को चलाना दो स्कीम्स मैंने आपको बताई इन स्कीम्स को हम पॉन्जी स्कीम्स बोलते हैं ये वो स्कीम्स होती हैं जो लोगों को लुभाने लुभाने के लिए वो स्कीम्स चलाई जाती हैं और जैसे ही आप उसमें फंसते हैं वो हाथ वापस खींच लिया जाता है और आप एक डिजिटल एरिस्ट की तरह उसके अंदर बन जाते हैं डेट इज़ अ स्कैम और तीसरा होता है हैकिंग हैकिंग तो आज हम लोग बहुत कॉमनली हर जगह सुन रहे हैं अभी हमने सुना था कि हमारे देश के एक बहुत बड़े संस्थान की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें बग्स और कम नेटवर्कस को और डिफरेंट टेक्निक से आप उनको हैक कर लेते हैं तो जब आप इस डिजिटल टेपेस्ट्री में जा रहे हैं और जब आप उसमें अपने हार्ड एंड मनी के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उसे सेफ करके रखें जनरली इस तरीके के फ्रॉड्स जो हैं वो कहाँ होते हैं जब आप अपने किसी फाइनेंशियल मैटर्स या अपने फाइनेंशियल चीज़ों के ट्रांजेक्शंस किसी पब्लिक वाईफाई स्टेशन से करते हैं वहां से हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्री सर्विस वेबसाइट्स होती हैं आपको लालच दिया जाता है कि आप इसमें अपने ये डिटेल्स डालिए आपको ये गिफ्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं शायद कभी एट द बैक ऑफ द माइंड हम उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं और हमें लगता है ये डालने से हमें मिल जाएगी तो हम ले लेते हैं तो ये एक लालच का मसला है सोशल मीडिया है पॉइंट ऑफ सेल है अब तो लोग बहुत सतर्क हो गए लेकिन जब शुरू शुरू में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स पर्टिकुलरली आए थे तो हम क्या करते थे वो हमको बोलता था मशीन ऊपर रखी है फर्स्ट फ्लोर पे आप अपना पिन हमें दे दीजिए और हम पूरी ट्रस्ट के साथ उसको वो पिन दे दिया करते थे और ऊपर जाके वाक्य बोलता था ट्रांजेक्शन हो गया ठीक सॉफ्टवेयर डाउनलोड ये ई चीजें हैं फोन कॉल्स हैं, और जनरली ये फ्रॉडलेंट लोग हमसे क्या मांगते हैं वो हमारा पैन नंबर मांगते हैं क्योंकि बैंक के साथ जुड़ने के लिए उनको हमारे पैन की जरूरत पड़ेगी अब आधार की भी पड़ती है ठीक है क्योंकि पैन और आधार आपस में जुड़े हैं पिन हैं पासवर्ड्स हैं है, आपके पास के नंबर्स हैं सी मांग लेते हैं और मैंने बहुत बार देखा है जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था एल्डरली लोग फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड रहते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन एक चीज था कि बूढ़े लोग फोन पे अपने क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर बता दिया करते थे सो so, तो जनरली जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे को बहुत सारी सेफ्टी गाइडलाइंस देता है और तुमने कई बार इसको सोशल मीडिया पे टेलीविजन पे रेडियो पे ये स्टेटमेंट सुना होगा कि आर कहता है कि जानकार बनिए सतर्क बनिए तो मैं भी अपनी इस चर्चा को यही समाप्त करती हूँ निपुर ये कहते हुए कि जानकार बनिए सतर्क बनिए डिजिटाइजेशन से ना घबराइए लेकिन इनफॉर्म डिसीजर्स बिल्कुल तो आपने आज सुना कि आप किस तरीके से अलर्ट रह सकते हैं सेफ रह सकते हैं ये सारे जो सेफ गार्ड्स हैं उनको अपनाकर और सतर्क रहिए बिल्कुल सतर्क रहना हर सिचुएशन में अवेयर रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बेहतर ढंग से इस विषय को हमें समझाने के लिए और अपना ध्यान रखिए आप भी और अलर्ट रहिए और अलर्ट रहेंगे अवेयर रहेंगे तो हमेशा ही आप प्रोटेक्टेड रहेंगे अब मैं निकल कुल इस सत्र से सेशन से आपसे लेती हूँ इजाज़त नमस्कार